बाउंड्री पर बैठे कोई आम लोग नहीं है, यह काफी दूर दूर से दिल्ली और एनसीआर के विभिन्न इलाकों से चलकर आए हैं। और इतना ही नहीं, ये काम धंधे वाले लोग हैं और अपनी एक दिन की दिहाड़ी, एक दिन की नौकरी छोड़कर आए हैं। और आने का कारण यह है कि ये सभी लोग पीएफ से पीड़ित है और इसीलिए पीएफ ऑफ इंडिया दफ्तर पर AIGMTU की अगुवाई में यहाँ पहुँचे हैं। इसी मुद्दे को लेकर हम जानना चाहेंगे रामेश्वर भारती जी से कि क्या विस्तृत जानकारी है। जी रामेश्वर भारती जी, देखिए ऐसा है कि जो ये मजदूर आए हैं ये पूरे NCR से आए हैं, दिल्ली से भी आए हैं, और इन मजदूरों की समस्या ये है कि इनका जो पीएफ का शेयर है जमा नहीं हुआ है और मालिकों ने प्रतिमाह वेतन पीएफ काटे हैं। पीएफ डिपार्टमेंट की मिली भगत से और मालिकों की मिली भगत से ये पीएफ का गमन किया गया है, जो मजदूर उनकी मांग को लेकर यहाँ धरना धरने पर आए थे। और ये श्रमिक किन किन इलाकों से आए हैं और क्यों आए हैं? ये श्रमिक आप नॉर्थवेस्ट डिस्ट्रिक्ट से, वेस्ट डिस्ट्रिक्ट से, साउथ डिस्ट्रिक्ट से, यानी मंगोलपुरी उद्योगनगर क्षेत्र के नरेला, उजीरपुर, बवाना और इधर किट्टी नगर, मायापुरी, नरैना, कापासेड़ा तक, बाडर तक आए हैं। और फिर इधर साउथ दिल्ली के कालका, गोविंदपुरी, ओखला, साउथ दिल्ली जितने क्षेत्र आते हैं सभी कर्मचारी आए हुए हैं, जिनकी एक ही समस्या है कि कर्मचारियों के वेतन पीएफ काट के जमा नहीं किया गया। ऐसे ये कितने लोग हैं जो पीएफ से पीड़ित हैं? देखिए पीएफ से जो हमारे मेंबर हैं हम उन्हीं की लिए आए हैं, बाकी तो ऐसे तो दिल्ली में लगभग 85% लोग पीड़ित हैं। मालिक पूरे पैसे काटते हैं लेकिन मजदूरों का पूरा पीएफ जमा नहीं करते। आप AIGMTU अर्थात ऑल इंडिया जनरल मजदूर ट्रेड यूनियन की अगुवाई करते हुए यहाँ पहुँचे हुए हैं, क्या लगता है कि अपने श्रमिकों को, अपने पीड़ित कामगार भाइयों की आवाज यहाँ दफ्तर तक पहुँचाएंगे और इसकी मांग क्या मनवा पाएंगे? जी हाँ, हमारी यही मांग है कि हम यहाँ धरने इसलिए बैठे हैं कि इन मजदूरों की मांग को लेकर आए हैं ताकि इनकी मांग जल्द जल्दी पूरी की जाए। अगर नहीं मानते हैं तो हम अनिश्चितकालीन धरना भी दे सकते हैं। ये धरना ये पहली बार नहीं है इस दफ्तर पर, अर्थात पीएफ कमिश्नर ऑफ इंडिया के दफ्तर पर आप लोग कई बार धरना दे चुके हैं। क्या यहाँ धरना देने से आपकी समस्या स्वयं होती है, समाधान होता है, पीड़ितों की आवाज़ सुनी जाती है? जब हम धरना देते हैं तो धरने से थोड़ी सी दबाव बनता है, ये जो यहाँ डिपार्टमेंट कमिश्नर बैठे हैं इनके बाद दबाव बनता है, जो क्षेत्रीय पीएफ कमिश्नर है उनसे कार्रवाई की जाती है, लेकिन थोड़ी बहुत कार्रवाई होती है फिर ठंडा बस्ते में डाल दिया जाता है। जी हाँ, थोड़ी बहुत कार्रवाई होती है फिर इन्हें ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। जी आप जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे सुन रहे थे और ये तब तक लोग लगाएंगे जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती। दिल्ली से कामगार इंडिया की यह रिपोर्ट।